नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। वक्त पांच के प्रश्नकाल का है। आज पांच का प्रश्नकाल में बात होगी आतंकिस्तान की। हमारे देश का ऐसा पड़ोसी जो आतंक को पनाह देता है, दुनिया में आतंक फैलाता है और हर बार अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो सबसे ज्यादा बौखलाहट पाकिस्तान को हो गई। पाकिस्तान ऐसा बिलबिलाया कि उसे सीधे चीन की याद आ गई। आतंकिस्तान भागते भागते यूएनएससी पहुंचा और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी तार तार हो गई। यूएनएससी की अध्यक्षता फिलहाल पोलैंड कर रहा है, जिसने सीधा कहा कि इस मामले को दोनों देश मिलकर ही सुलझाइए तो बेहतर है। पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि भारत ने अपने संविधान के मुताबिक काम किया है और ये उनका आंतरिक मुद्दा है। साथ ही चीन भी अपना रुख साफ कर चुका है। अब विचार यहां पर है कि पाकिस्तान कब तक अपने आतंकी दास्तान को छिपाने के लिए क्या क्या जतन करेगा, कैसे वो धारा 370 का विरोध करने का तरीका ढूंढेगा, ये तो पाकिस्तान को सोचना होगा। लेकिन सवाल यह भी कि आखिरकार पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा आखिरकार हमारे देश में कुछ लोग क्यों बोल रहे हैं, फिर वो चाहे कांग्रेस के नेता हो, फिर वो चाहे पीडीपी के नेता हो, फिर वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो। अभी हाल ही में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के इस तरह के बयान आए जो तमाम तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ये संदेश देते हैं दुनिया में कि कश्मीर पर भारत सरकार ने जो फैसला लिया वो सही नहीं है। तो चर्चा शुरू करें पांच के प्रश्नकाल की। उससे पहले आज की चार तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस मामले से जुड़ी हुई है। ये देखिए चार तस्वीरें और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती है ये तस्वीरें। जी हां, क्योंकि पहली तस्वीर जो आप यार आप देख पा रहे हैं, यूएनएससी ने निराश कर दिया, जिसकी दुहाई लगातार पाकिस्तान दे रहा था और कह रहा था कि हम इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ भारत के इस फैसले को पलटेंगे या फिर दुनिया से मदद मांगेंगे। लेकिन यूएनएससी ने साफ कह दिया है कि ये दोनों देशों का मामला है, आपस में निपटाइए। चीन, जिसके दम पर, जिसके टुकड़ों पर पाकिस्तान पलता है, उसने साफ तौर पर पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है 370 के मामले पर। एक तस्वीर यह भी है रूस की, व्लादिमीर पुतिन ने लताड़ दिया है ट्वीट करके बकायदा और बयान देकर कहा भारत ने जो भी किया अपने संविधान के हिसाब से किया, इस पर पाकिस्तान को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कुरैशी जी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए आखिरकार कुरैशी जी जब दुनिया भ्रमण करके, मतलब खैरात मांगते मांगते जब अपने देश वापस पहुंचे तो कहा गया, खुद कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही है। तो ये चार तस्वीरें पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की थी, लेकिन अब चार तस्वीरें आपको और दिखाएंगे और नेताओं की फोटो दिखाएंगे, यानी कि उन नेताओं को देखिए जो इस पूरे मामले पर अलग अलग तरह से बयान देकर इस देश के अंदर खलबली पैदा कर रहे हैं, कश्मीर को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी। चिदंबरम साहब को देखिए, ये देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ यूपीए सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, ये कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में हिंदू आबादी होती तो 370 नहीं हटाया जाता। ये इस देश के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। गुलाम नबी आजाद जब देश के अनेसे कश्मीर में जाते हैं और वहां पर जाकर चौपियां में लोगों से मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये कहते हैं कि पैसे देकर तो कुछ भी कराया जा सकता है, यानी कि पैसे देकर उन लोगों को खरीद लिया गया, कश्मीरियों को। अब ये तस्वीर देखिए, ये मणिशंकर अय्यर है, इनके बयान आप पहले भी सुन चुके हैं। चाहे प्रधानमंत्री को ये कहना हो कि चाय वाला क्या करेगा, चाहे नीच कहना हो या कश्मीर को लेकर इनकी बयानबाजी, और सलमान खुर्शीद भी किसी से कम नहीं है। मतलब कांग्रेस के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि आखिरकार कौन कितना ज्यादा बड़बोला बने, कौन ज्यादा से ज्यादा अलग अलग तरह की विवादित बयानबाजी दे, कौन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक बैक फ्रंट से अगर हम बात करें सपोर्ट करें अपने बयान से। तो ऐसे में पाकिस्तान को हार मुबारक हो, साथ ही साथ सवाल कांग्रेस से भी करेंगे। हालांकि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता खासकर डिबेट में बैठ नहीं रहे आजकल, और चुनाव लोकसभा चुनाव की हार के बाद ही ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद भी बयान मीडिया के सामने आने देने से बच भी नहीं रहे। और बयान भी कैसे, जिससे निराशा राहुल गांधी को हो जाए, जिससे निराशा सोनिया गांधी को हो जाए। अधीर रंजन को आपने सुना होगा, जिस वक्त लोकसभा में इस पूरे बिल पर चर्चा चल रही थी तब वो कुछ ऐसा बोले कि सोनिया गांधी भी बगले झांकने लग गई और पीछे बैठे नेताओं को इशारा करने लगी, भाई कोई ने रोक लो वरना ही बेइज्जती पर बेइज्जती करा कर रहेंगे। लेकिन ऐसा सब कुछ यूं ही चल रहा है। मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जम्मू कश्मीर की बात करें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, इसके साथ ही साथ आप मणिशंकर अय्यर की हमने बात करी है, इसके साथ ही साथ पी चिदंबरम की हमने बात की, ये वो लोग हैं जो हमारे देश के हैं, मतलब हमारे देश की नागरिकता इनके पास है। और विपक्ष में रहते हुए विरोध करिए आप, लेकिन एक ऐसा मसला
जिस पर पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया में जाकर हाय तौबा कर रहा है, और आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि आज सवाल इस देश पर ही उठ जाए, इस सरकार के फैसले पर उठ जाए। आप विरोध करिए, विरोध के तरीके से करिए, लेकिन कम से कम हिंदू मुस्लिम ना करिए। चिदंबरम साहब कहते हैं कि दरअसल अगर जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी होती, मतलब है अगर हिंदू आबादी होती तो 370 ना हटाई जाती, और ऐसे कितने बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार अभी दिए गए हैं। तो ऐसे में पांच के प्रश्नकाल पर आज हम खास चर्चा करेंगे, और फिर एक बार आई रिपीट कि कांग्रेस के नेता भले ही हमारे साथ ना हो खास चर्चा में, लेकिन अगर वो टीवी देखेंगे तो जरूर सवाल सुने कि आखिरकार आप लोग इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं, और इस बयानों से आखिरकार किसको आप फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान करेगा क्या? बेइज्जती तो हो गई, दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहे, खैरात मांगते रहे, कोई समर्थन कर दे, कोई साथ दे दे, इवन जिसके टुकड़ों पर पलते हैं चीन की बात कर रहे हैं, उस तक ने साथ छोड़ दिया है। और चलिए सीधा डिबेट का पैनल ओपन करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपको रूबरू करवा देते हैं। के मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से हरिश्चंद श्रीवास्तव है, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी। पीएसपील से अवधारण सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ संविधान विशेषज्ञ मंजुषा कपिल हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजुषा जी। सबसे पहले चर्चा शुरू करेंगे कि आपके पास ही आएंगे, सबको पता है पाकिस्तान की स्थिति पूरी दुनिया के अंदर क्या है, सबको पता है पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है पर्दे के पीछे से, यानी कि हमारा और पाकिस्तान का दोनों का पड़ोसी देश चीन। और पाकिस्तान जिस तरह से कुरैशी साहब निकले दुनिया भ्रमण के लिए, अलग अलग जगह जाकर अलग अलग लोगों से बातचीत की, हाथ जोड़कर पैर पड़कर कहा हमारा समर्थन करें, लेकिन सबने एक तरफ से दरकिनार कर दिया। लेकिन इसमें एक सवाल जोड़ूंगा, इसके बाद सवाल ही उठता है कि हमारे कांग्रेस नेताओं को क्या हो गया है, उमर अब्दुल्ला का क्या हो गया है, फारूक अब्दुल्ला क्या हो गया है, महबूबा मुफ्ती को क्या हो गया है। देखिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एनालिसिस कर लूं। पूरी दुनिया को भारत का एहसान मंद होना चाहिए, एहसान मंद इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसी कश्मीर को लेके यही पूरी दुनिया चिल्लाती थी कि परमाणु युद्ध हो जाएगा जी, परमाणु युद्ध हो जाएगा। परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा बना हुआ था पूरी दुनिया के ऊपर, और परमाणु युद्ध होता तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता, यानी 20 करोड़ लोग मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में मारे जाते। तो पूरी दुनिया को भारत के इस अप्रोच का स्वागत करना चाहिए कि बिना एक गोली चलाए, बिना एक खून का कतरा जो है बहाए हुए, इतना बड़ा जो वैश्विक प्रॉब्लम था 70 साल से, जिसको लोग बोलते थे कि इसका कोई सलूशन ही नहीं है, गजवाए हिंद होगा, ये होगा, वो होगा। आप वहां की मीडिया को देखिए, जो मेरे साथ जो भी ज्ञानी जन बैठे हैं, आप देखिए पाकिस्तान क्या बोलता था उनके डिबेट में, पाकिस्तानी चैनलों के डिबेट में। वहां के डिबेटर तो एटम बम जेब में लेके बैठते थे कि अगर अभी कोई इंडियन जो है पत्रकार बोलेगा तो हम यहीं पे एटम बम निकाल करके इंडिया को हम सुहा कर देंगे। तो पूरी दुनिया को भारत का ऋणी होना चाहिए, एहसान मंद होना चाहिए कि जो एटमी खतरे का, एटमी लड़ाई का ये जो खतरा था उसको बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमने जो है खत्म कर दिया। अब मेरा सवाल एक ये है, जिस तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे तितर बितर हो गया, तहस नहस हो गया, वैसे ही यहां पे भी हो गई। बचे अभी एक, आई डोंट नो, मैं क्लेम नहीं करता हूं, एक खबर आई थी शोभा डे के बारे में, अब्दुल बासित ने उनको बोला था कि हम पैसे देते हैं लिखने के लिए। तो ऐसे पत्रकार, ऐसे सुधी जन जो जिनको पाकिस्तान का प्रेम अभी भी बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बोलना ये चाहूंगा, भारत की जियोग्राफी के बाहर अगर कोई मैटर है जो कि इंटरनेशनल मैटर बनता है भारत का, तो आप पक्ष के हो, आप विपक्ष के हो, आपका जाति, आपका धर्म, आपका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। 1971 में सारी पार्टियां एक साथ खड़ी थी, सरकार भले ही किसी एक की हो। अब यहां पे इस तरीके का, पूरी दुनिया में फतह हो गया, अब अंदर आप ऐसे बयान देके क्या बोलना चाहते हो? इनडायरेक्ट वे में मैसेज दे रहे हो क्या कश्मीरियों को दोनों तरफ की, जी हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम ये करो, तुम वो करो? ये एक गंदी राजनीति है और इससे देश की इमेज को धक्का लगता है। बल्कि इस वक्त सबको ये बोलना चाहिए कि भारत केवल एक ऐसा देश है जो शांति में बिलीव करता है, और परमाणु खतरे का जो समस्या का समाधान था वो हमने शांतिपूर्ण तरीके से किया। ये एक ऐतिहासिक कदम है, ये एक ऐतिहासिक सफलता है पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि हम शांति के पुजारी थे, हम आज भी शांति के पुजारी हैं। इतना बड़ा ग्लोबल इशू था, दो ही इशू थे, एक फिलिस्तीन था, एक कश्मीर था, जो ग्लोबल दुनिया, चाइना को, पाकिस्तान को ग्लोबल इशू बना हुआ था।
इतने शांतिपूर्ण तरीके से कौन सर समाधान करता है? एक उदाहरण मुझे आप इतिहास में दे दीजिए। ब्रिटेन पाठ पढ़ाता है, आयरलैंड पे उसने कब्जा करके रखा है, पूरी दुनिया को उसने उपनिवेश बनाया हुआ था। चाइना पाठ अगर हमको पढ़ाता है तो कितने तो उसने कब्जा करके रखे हुए हैं। एक और बात बताता हूं, गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान ने अभी कुछ साल पहले आप देखेंगे चुपचाप एक वहां पे स्पेशल उनको वो था, वो उन्होंने हटा दिया, हमने कुछ नहीं बोला। अरे हमारा अंदर का मामला है, हम हटा रहे हैं, तुमको इससे क्या मतलब है? मैं भारत के नेतृत्व को, 120 करोड़ की जनता को मैं देता हूं कि वाकई में आप शांति के अग्रदूत हैं। भारत आज शांति का अग्रदूत बन के फिर से दुनिया के सामने उभरा है। परमाणु खतरे को बड़े आराम से 2 घंटे के भीतर हटा दिया, और मेरे साथ के बैठे हुए जितने लोग हैं अगर मेरी इस बात का समर्थन करते हैं तो डिबेट में समर्थन करिए कि भारत शांति दूत की तरह बन के दुनिया में उभरा है कि नहीं उभरा है। परमाणु खतरे को हमने टाला कि नहीं टाला बिना किसी लड़ाई के, न इधर कोई मरा न उधर कोई मरा। तो बाकी चीजें तो हवा हो गई, छोटी मोटी हैं, वो राजनीतिक फायदे के लिए है। आप ग्रेटर गोल को देखिए, कितना बड़ा फायदा पूरी दुनिया को हुआ है। छोड़ दीजिए भारत को, पूरी दुनिया को आप देखिए, ये कितनी बड़ी जो है पाकिस्तान की बेवकूफी के कारण अगर ये चलता रहता, कितने देश इसमें कूदते अगर युद्ध होता। ये होता युद्ध कभी किसी का सलूशन नहीं है, सलूशन ऐसे ही होना चाहिए, और पीओके का भी सलूशन ऐसे ही होना चाहिए, गिलगित बाल्टिस्तान का भी सलूशन ऐसे ही होना चाहिए। आराम से हो जाए, ना एक गोली चले ना कुछ चले। ठीक है, आप दो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हमारे साथ लोग हैं, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी से, पीएसपीएल से अवधारण सिंह, लेकिन माफी के साथ दोनों आप वरिष्ठ हैं, दोनों के पास मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार अरविंद विद्रोही हमारे साथ हैं, पहले हम उनके पास चलेंगे। विद्रोही साहब, आपके पास आने का रीजन ही है, राजनीति की बातें तो हम बहुत करते हैं लेकिन आज देश की बात हो रही है और उन बातों का हम खासतौर पर जिक्र कर रहे हैं जो बातें इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठाई जा रही, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान। कोई ऐड इसलिए कर रहा हूं कि भाषा लगभग सेम लग रही है। इन तमाम चीजों के अंदर अगर हम बात करें, किस तरह से इसे देखा जाए, पाकिस्तान दुनिया में रोलिया सर, लेकिन पूरी दुनिया की तरफ से एक भी देश समर्थन में नहीं आया। कहा भाई आप जाने, आपका मसला है ये, भारत ने जो किया किया, अब आप दोनों देश बातचीत करिए अगर आपको लगता है, लेकिन भारत का जो संविधान उस हिसाब से काम हुआ है ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। जी अजय जी, निश्चित रूप से जीत है, और इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी सदन में कह चुके हैं, और उन्होंने एक अपनी बात को दोबारा सदन में कहा था कि जब मैं कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो इसमें पीओके और अक्साई चीन भी समझा जाए। तो ये बहुत बिल्कुल सदन में कहा हुआ चीज है, पीओके और वो जो हमसे शेष कश्मीर चला गया वो भी हमारा है। और विदेश नीति पर जो सफलता है, जैसे अभी अखिलेश जी कह रहे थे, पिछला 5 साल नरेंद्र मोदी जी का याद कर लीजिए, वो पूरे विश्व में विभिन्न देशों में जाते थे, दौरा करते थे, तो हमारे देश में अंदर से तमाम विपक्षी दल, तमाम पत्रकार, विश्लेषक सब लोग ये कहते थे ये क्यों जा रहे हैं, वहां तो विदेश मंत्री को जाना चाहिए था, ये तो केवल घूम रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री मिला रहता है। आखिर भारत के मुकुट पर जो रोग था, उस रोग को मिटाने का इलाज दूसरी पारी में बिल्कुल खूबसूरती से सदन के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया कि नहीं, जब कर भी दिया तो उसमें भी जो लोग खामी बोल रहे हैं। अब आप देखिए, हम लोग अपने यहां सदन की डिबेट देख चुके और विभिन्न न्यूज चैनल में यहां की डिबेट देखते हैं, हमारे यहां के बुद्धिजीवियों को पाक मीडिया की डिबेट भी देखनी चाहिए। जैसा अभी अखिलेश जी ने बताया, वहां की स्थिति विचित्र है, वहां पर भी कुछ लोग हैं जो अपने पाकिस्तान में जो लोग जुबानी जंग कहते हैं वो तैयार रहते हैं। वहां पर एक पैनलिस्ट ने पूछा कि अरे तुम किस लड़ाई की बात कर रहे हो, हमारे यहां तो 6 दिन का डीजल नहीं है, खाने के लिए परेशानी है। तो तमाम, जब आप विश्व के नक्शे पर देखेंगे, पेट की भूख देखेंगे, आवाम की, जो आवाम का शब्द प्रयोग होता है, और एक हमारे यहां एक चलन और बड़ी, कश्मीरियों की चिंता बहुत हो गई है लोगों को। मैंने पहले भी कहा कि क्या कश्मीर में केवल कश्मीरी मुसलमान ही कश्मीर और कश्मीरियत के प्रतीक हैं? क्या वहां जो 3 लाख हिंदू अभी 89 और 90 में हटाए गए उनसे कश्मीरियत को पहचान नहीं है? क्या शेष कश्मीर के कश्मीरियों का दर्द, हिंदुस्तान का दर्द नहीं, क्योंकि वो तो हमारा ही हिस्सा है। के मुसलमानों ने कभी इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं बनाया, वो भले ही बोलते थे 370 ये वो, उन्होंने यहाँ के नेता अभी बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का ये मुद्दा है, कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कह रहा है हिंदू मुसलमान। जी बिल्कुल,
अगले वो जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने कहा अगर ये मुसलमान स्टेट ना होती बाहुल वाली तो यहाँ 370 ना लगता। ये कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस के लोग दे सकते हैं? चिदंबरम साहब जैसे वरिष्ठ नेता दे रहे हैं विद्रोही साहब, तब तो सवाल उठता ही। विद्रोही जी एक सेकंड, आपके पास में लौट रहा हूँ। यहाँ पर हरीश श्रीवास्तव के पास चलेंगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, बीजेपी की आवाज है। श्रीवास्तव जी सबसे पहले तो चूंकि जिस तरह की स्थिति है पूरी दुनिया ने माना भारत का लोहा, और ये जाहिर सी बात है कश्मीर पर जो भारत सरकार ने फैसला लिया उसके बाद हो पाया, पिछले 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरी दुनिया में भ्रमण रहा उसके बाद हो पाया, लेकिन इसके साथ ही साथ इस देश के अंदर जब हम आवाज उठाते हैं, सवाल करते हैं, चिदंबरम साहब का बयान सामने आता है, दिग्विजय सिंह का बयान सामने आता है, मणिशंकर अय्यर, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, सर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जिस तरह का ये विरोध हो रहा है, ये विरोध भी अपने आप में एक सियासत का है। जाहिर सी बात है जब हिंदू मुसलमान का जिक्र कर दिया जाए, जब जिक्र कर दिया जाए कि दरअसल मोदी शाह ने तो कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया है, सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए आज जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो एक बड़े वैचारिक दिवालियेपन के से गुजर रहा है, और इसी के साथ साथ वो कांग्रेस को समाप्ति की तरफ तेजी के साथ ले जा रहा है। वो चाहे दिग्विजय सिंह साहब हों, चाहे मणिशंकर अय्यर हों, चाहे पी चिदंबरम जी हों, या गुलाम नबी आजाद साहब हों, या कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के लोग हों, जिन कांग्रेस के नेतृत्व के लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी ही नहीं दिखाई पड़ रही है, भुवनेश्वर कालिता जी जो उनके चीफ व्हिप थे उन्होंने व्हिप जारी करने से पहले त्यागपत्र दे दिया था, और कई कांग्रेस के लीडरान वो 370 और 35 से हटाए जाने के पक्ष में उन्होंने वक्तव्य दिया और साथ भी खड़े हैं। अगर आज कोई सर्वे करा ले तो 99% जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के नेता वो 370 और 35 के हटाए जाने के पक्ष में खड़े होंगे, लेकिन जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो एक बरसों से जो उसकी जात ये तुष्टिकरण की राजनीति, जात पात की राजनीति, उसको बुरी तरह से पकड़े हुए, इस तरह से पकड़े हुए बैठा हुआ है कि उसको लगता है हो सकता है इसी बहाने हमको सत्ता के फिर उस पर चढ़ने का मौका मिल जाए। सर आप भी इस लेकिन वो अचीवमेंट को आप भी ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं जबकि आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है। मैं तो बोलता हूं ये जो है देश के लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये तो वैश्विक स्तर की अचीवमेंट है। हमने परमाणु युद्ध से दुनिया को परमाणु युद्ध में जाने से रोक लिया, इससे बढ़िया शांति का तो इस सदी में शांति का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता है जो भारत ने किया। श्रीमान जी आप अपनी बात कह चुके हैं, जरा दूसरे की बात सुनिए। बोलिए बोलिए बोलिए। अपनी बात आप कह चुके हैं, दूसरे की बात सुनिए। देखिए इसको मैं वैश्विक मामला नहीं मानता, ये भारत का अंदरूनी मसला था, भारत ने अंदरूनी मसले को अपने हल किया। हां जो पीओके की समस्या है, पीओके और अक्साई चिन्ह वो हमारे हमारी भारत का पार्ट है, कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग है, वो भी हमारा है, हम उसका हमारे सम्मानित गृह मंत्री जी ने सदन में कहा है और वो इसी का पार्ट है। ये कोई वैश्विक मसला नहीं था कि हम वैश्विक स्तर पे इसके लिए हम कहीं किसी पंचायत करने गए हों, ये हमारा आंतरिक मसला था और हमने इसका हल किया, और वही आज वैश्विक प्लेटफार्म पर इसीलिए पाकिस्तान को अपनी मुंह की खानी पड़ी कि जबरदस्ती वो यहां आतंकवाद का जहर घोल करके कश्मीर के लोगों को गुमराह करता था, कश्मीर में अनरेस्ट पैदा करता था, कश्मीर में जान माल से खेलने का प्रयास करता था, वो आज ऐसी ताकतों को पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, और चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, तमाम उनको मुल्कों ने ये कहा कि ये भारत का अंदरूनी मसला है और इसमें हम बीच में नहीं आएंगे जी। और पूरी ये जो जब से 370 और 35 से हटाई गई उसके बाद से कश्मीर में जो शांति का माहौल है, और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला साहब और ये जो अमर अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद ये कह रही थी कि उसका भी करारा जवाब वहां की कश्मीर की जनता ने दिया है, इनकी नाराजगी का कारण कश्मीर पे जो कांग्रेस का स्टैंड है वो तो वोट बैंक की पूरी तरह से राजनीति कर रही थी इस राष्ट्रीय मुद्दे पर भी,
और उसने अपने को जनता के बीच से पूरी तरह से समाप्त कर लिया। हाँ। और जहां तक उमर अब्दुल्ला की और मैडम सईद की बात है, ये लोग तो एक कश्मीर को जो दो तीन परिवार ये लूट रहे थे वो उनकी पूरी कायनात चली गई है, तो इसलिए उनका उनके तो जो इस तरह के वक्तव्य हैं वो तो इसलिए लगते हैं कि भाई लूट का अब उनको लूट का अवसर नहीं रहेगा कश्मीर में। अब वहां का जो विकास है वो जनता के पास पहुंचेगा और कश्मीर के खजाने पे कश्मीर की जनता का हक होगा, इसलिए उनकी नाराजगी है। लेकिन देश की जनता खुश है और पूरी दुनिया में भारत के इस निर्णय को स्वीकार किया है, ये एक बड़ी कामयाबी है। हम अपने यशस्वी सम्मानित नेतृत्व को इसके लिए हार्दिक बधाई देते हैं। अफजल रण सिंह हमारे साथ पीएसपीएल से, उनके पास चलेंगे, उसके बाद मंजुषा कपिल के पास भी चलेंगे, संविधान विशेषज्ञ हैं। अफजल रण सिंह, सवाल है कि विपक्ष को आखिरकार क्यों, क्या हो गया है, कैसे हो गया है, क्योंकि अभी हम तीन दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, पीएसपीएल के प्रवक्ता बैठे थे, एके भी उस वक्त मौजूद थे हमारे साथ, जिस वक्त हमने उनसे कश्मीर को लेकर सवाल किया, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल किया, तो सबसे पहले उन्होंने डराने का काम शुरू कर दिया। वो बोलते हैं कि आखिरकार हट तो गई 35 से और 370, लेकिन अब देखिएगा यहाँ के लोग जाएंगे कितनी सारी जमीन खरीद लेंगे, वहां के पर्यावरण को नुकसान होगा, वहां के लोगों की जमीन कम हो जाएगी। आखिरकार विपक्ष को हो क्या गया है सर? देखिए, विपक्ष को कुछ नहीं हुआ है। जब भी राष्ट्रहित के फैसले हों, जनहित के फैसले हों, जब इनमें पारदर्शिता की कमी होती है, हाँ। तो उसमें शंका होना स्वाभाविक है। हालांकि 370 और 35 ए के मामले में जो पहल हुई है वो सराहनीय है, लेकिन ये कश्मीर कोई साग भाजी की जो का खेत नहीं है। यहाँ 30 साल से आतंकवाद चल रहा था, हाँ ठीक है, आम जनमानस को विश्वास में लिया जाना चाहिए। कौन सा आम जनमानस? वोटिंग करानी चाहिए क्या? प्लेबिसाइट कराना चाहिए था क्या? फिर आप बोलेंगे चाइना को भी लेना था, अमेरिका को भी लेना था, फिलिस्तीन को भी लेना था, आईएसआई और दाइश को भी विश्वास में लेना था इंटरनेशनल कम्युनिटी में, सीरिया को भी लेना था, ओसामा बिन लादेन की जो मर गई आत्मा है उसको भी लेना था विश्वास में। आम जनमानस सर कौन सा है, किससे पूछना चाहिए था? मैं अपना पक्ष आप रख चुके हैं। नहीं बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, कौन सा आम जनमानस सर? जब ब्रेक होगा तब ले लूंगा सर। कश्मीर की जनता जो 30 साल से त्रासदी झेल रही थी, उसे मरहम की जरूरत है, उस पे विश्वास जगाने की जरूरत है, हम सरकार से हो और उसका तरीका क्या होगा, जो कुछ भी उसका तरीका क्या, बेहतर तरीके से एक्सक्यूट किया जाए। नहीं नहीं, वो हो रहा है ना सर, वो होगा, सारी सरकारों ने किया है। देखिए, नहीं आप बता दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, जब आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, चुनाव हुए थे, अब विश्वास कैसे लिया जाता है? घर घर जा करके ऐसे बात करके, संसद में पूरी बहस हुई, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, दो दिन कुल्लम कुल्ला दोनों सदनों में, चुनाव हुए थे, चुनाव के थ्रू जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, सारी चीजें गवर्नमेंट की जो व्यवस्था होती है, चाहे राज्यपाल का शासन हो चाहे जैसे भी हो, तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यह हुई है। इस पे तो देखिए, जो इतना सेंसिटिव मुद्दा है, मुझे समझ में नहीं आता किन शब्दों से आप लोग विरोध कर देते हैं। और रही बात अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं जो इतने सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित होते हैं, संविधान में प्रोविजंस हैं। अभी वार हो जाए तो फिर क्या होता है, सारे संविधानिक राइट जो है सीज कर दिए जाते हैं। उस वक्त संविधान जो है, जो जरूरी है देश के रक्षा के लिए, वो नियम लगते हैं। तो हर चीज का एक दायरा है। ये इतना क्रिटिकल मुद्दा था, संविधान में ऐसे प्रोसीजर्स हैं, संविधान के थ्रू ही ये डिबेट हुआ था, 370 वर्सेस 70 के अगेंस्ट ये पास हुआ था, शायद 300 वोट फेवर में पड़े थे, हाँ। और 70 वोट जो है अगेंस्ट में पड़े थे, और खुल्लम खुल्ला मीडिया पे दो दिन चला था सर। अब आप बोलिए, आपको नहीं बुलाया पर्सनल, चाय पे बुला करके प्रधानमंत्री आपसे कान में पूछते कि भैया हटाए कि ना हटाए, तो वो बात दूसरी। अफजल सिंह, मेरा सवाल सर सिर्फ इतना सा है कि आप जिस आम जनमानस की बात कर रहे हैं, जिन कश्मीरियों को विश्वास में लेने की बात कर रहे हैं, वो कैसे होता, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीका है, जितना मुझे जानकारी जैसे, है, इस बिल को लाने के पहले देश में और जो भी पार्टियां सियासत में हैं उनको सबको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। और जैसे अभी अखिलेश जी युद्ध की बात कर रहे थे, युद्ध के विषय में मैं सैनिक हूं, मैं ज्यादा बेहतर समझता हूं, और अब की राजनीति में भी हूं, तो राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी ठीक से समझता हूं। मैं पाकिस्तान की जुबान बोल रहा था कि जो पाकिस्तानी
हर वक्त एटमी धमकी की, जी हम तो एटम बम है हमारे पास, हम उससे क्या बेकार की बात परोसना चाहते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, आज भी है, इसमें बहुत नया क्या हो गया? सिर्फ इतना ही है कि आपने कब बोला कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग है? मैं तो बोलता हूँ पूरा पाकिस्तान हमारा अंग है। और क्या चाहते हो आप? हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अंग है। आप तो अभी परमाणु की बात कर रहे थे, हमारे बगल में एक दुश्मन ऐसा था आप जो अपने हमको इन सब चीजों को लेकर धमकियां दिया करता था। कश्मीर में कुछ अच्छा किया है, धमकी दिया करता था आपके साथ खड़ा। और उसकी हवा हमने टाइट कर दी, पाकिस्तान का क्या बिजनेस हो रहा है? कोई मतलब नहीं इसका जी। नहीं नहीं, आप धारण सिंह जी, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपने गोली को करीब से नहीं देखा? गोली चलने के बाद शांति नहीं होती है। अरे हम जानते आप जुड़ी है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो भी हुआ है मैं भी करता हूँ। कश्मीर देश का अभिनेता था, आदमी है, आप वहाँ पे कुछ अच्छा करने जा रहे हो, हम सब उसका स्वागत करते हैं। और अच्छे तरीके से करिए ताकि कश्मीर की जनता विश्वास में आए। अगर आप उसको पाकिस्तान और परमाणु बम से जोड़ना चाहते हैं तो परमाणु बम के लिए इन प्रोविजन को हटाने की जरूरत नहीं थी। जब आपने एयर स्ट्राइक किया था तो परमाणु बम गिर सकता था। तो डोंट से कि आपने बहुत अच्छा कर दिया और पहले बहुत अच्छा नहीं किया था, ऐसे मत समझाइए। सर 70 साल नहीं, नहीं, ये पूछ रहे हैं 70 साल पुराना रोग हट गया, अभी ये अच्छा नहीं है। ये एक ऐतिहासिक दिन है सर, युद्ध की स्थिति नहीं थी। मत आपदारण सिंह कि आपने जो कुछ किया है इसको और वैधानिक तरीके से आप खुद कहने की आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात आपने हमसे ज्यादा नजदीक से देखे होंगे, ये बात हम करते हैं क्योंकि हमने रिपोर्टिंग के दौरान वहां पर गए, तमाम चीजों को समझा देखा हमने। आप बेहतर तरह से समझते होंगे सर, आपने उन स्थितियों को देखा है, ये भी हम मानते हैं। तभी तो सर आपको तो ये बात कहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, वहां पर सैनिक भी जब होते हैं और जो पत्थरबाजी पहले होती थी या अभी बंद है, या जिस तरह के हालात थे उसमें कम न कम एक बेहतर माहौल होना चाहिए। आपने कहा 370 का स्वागत है, 35 का स्वागत है, लेकिन इसके साथ ही सर आपको पता है ना, आप जानते हैं। हालांकि अब मैं आपसे एक सैनिक की तरह पूछ रहा हूं सर, आप चूंकि आपने कहा आप सैनिक हैं, सैनिक थे, आपको नहीं लगता सर इस देश के अंदर कश्मीर को लेकर 70 साल से राजनीति तो हुई है? राजनीति तो हुई है, आपको क्यों एक प्रवक्ता के तौर पर राजनीति जबरदस्ती उसमें करनी पड़ रही है? मैं कश्मीर में काम कर चुका हूं, मुझे तभी तो कह रहा हूं ना सर, फिर वही सैनिक बनकर बोलिए ना। इतना आसान नहीं है, हम आपको शुभकामनाएं देते और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करिए और कश्मीर के हालात और बेहतर। देश के लिए बोलिए सर, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए बिल्कुल मत बोलिए। कम से कम एक घंटे, कम से कम एक घंटे अपनी राय रखिए तो उस सैनिक को याद करिए जो आपसे सर। एक स्टेप पूरा हो गया है जो सबसे पहला स्टेप था, आगे आने वाली चुनौतियों के लिए भी आप जैसे वीर पड़े हुए हैं, आप खुद हमें तो आपको देख के गर्व होता है। हम जनता है, पब्लिक है, जैसे भी होगा सर हम आप लोगों के साथ हैं इस मामले में। सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, हम साथ हैं सर सरकार के साथ। मंजूषा कपिल आपके पास आना चाहते हैं, चूंकि संविधान की बात हो रही है, ऐसे में यहां पर जो पूरी प्रक्रिया हुई जिसमें आप अमित शाह आए, राज्यसभा, फिर लोकसभा, आप तमाम चीजें हुई, उसमें आखिरकार कमी कहां रह गई? संविधान के हिसाब से बात करें, जम्मू कश्मीर को लेकर भी अगर हम बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम स्टेप जो था उसे लिया गया, उस तरीके से लिया गया। हालात सबको दिख ही रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जब से ये फैसला हुआ, रिपोर्ट्स भी आई, एक गोली नहीं चली जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर आए दिन पत्थरबाजी होती थी। कैसे देखते हैं इसे आप, इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं? तमाम पैनलिस्ट जो हैं वो भी सुने, लोग भी सुने। मंजूषा जी, देखिए ये बात जो आती है कि 370 और 35 से हटाएगी, उसकी प्रक्रिया की बात जो आती है, सब लोग संविधान भी पढ़ करके ही वहां बैठ करके, और इतना बड़ा निर्णय और बहुत ही मार्मिक और सेंसिटिव निर्णय था ये जो लिया गया, उसमें कमी अपनी तरफ से किसी ने नहीं छोड़ी। और अगर देखा जाए संवैधानिक प्रक्रिया में कमी नहीं है, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों थे वहां पे। और ये जो बात इतनी देर से ये बात आती है कि किसी को विश्वास में लेना, या सबके प्रतिनिधित्व वहां पर हैं, सब लोग अपनी अपनी वोटिंग करते हैं पक्ष विपक्ष में कहा जाता है, लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना होता है जहां पर 80% लोगों की सुरक्षा और संवेदना और भावनाओं की सुरक्षा संवैधानिक की जा सकती हो, तो 30% ऐसे जिनका कहना होता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, उनको एक बार किनारे रख करके ज्यादा से ज्यादा देशहित और जनहित में काम करना पड़ता है। इसके अलावा ये बात बिल्कुल जग जाहिर है, बिल्कुल सही है कि सबके प्रतिनिधित्व होते हैं संसद में, सारी प्रक्रियाओं के टाइम पे सबका, जब अब एक एक इंसान से पूछने से बेहतर है सबने अपना प्रतिनिधि चुनकर के वहां भेजा हुआ है, सबके प्रतिनिधि वहां पे मौजूद हैं, और ये सबको पता था कि किस बात पर चर्चा होने जा रही है, किस बात पर डिबेट हो रही है, किस बात पर प्रक्रिया चल रही है। अब जब वहां पे पक्ष विपक्ष दोनों आए, दोनों की बातें रखने के बाद, और ये बात सही है, धारा
अनुच्छेद 370 अस्थाई की बात है, स्थाई प्रक्रिया नहीं थी, वो भी तब था जब ये कहा गया था कि वहां के जनमाल की सुरक्षा देश हित में जितना है हमारा, जब वहां पे इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में जब इस तरह की कश्मीर को लेकर मुद्दे आए तब वहां पे कई प्रस्ताव भी आए, उसमें एक 48वां प्रस्ताव है जिसमें शिमला समझौते के बाद आया था। शिमला समझौते में ये भी हुआ था कि भारत का एक प्रतिनिधित्व, पाकिस्तान का एक प्रतिनिधित्व, दोनों होंगे और दोनों की सहमत से एक प्रतिनिधि होगा जो सारी बातों को तय करेगा, तथ्यों को, परिस्थितियों को, मौके मुआयने को देखेगा, बात तय होगी। फिर उसके बाद जब 48वां प्रस्ताव आया जिसमें यह कहा गया चूंकि इन दोनों का अंदरूनी मामला है, दोनों आपसी सहमति से इसको देखेंगे, इसमें यूएनओ कुछ नहीं करेगा, जब ये बात आती है तो अब ये देश के अंदर जब इतना एक बहुत ही मार्मिक निर्णय लिया गया है, इतना सब लोग टीवी पे देखते थे, बहुत ज्यादा हम लोग तो इतना नहीं जान सकते जितना आप लोगों ने देखा है समझा है। सैनिकों के साथ सैनिक का अपना पर्सनल कुछ इश्यू नहीं होता है, अगर वहीं की बात देख लीजिए क्या कंडीशन थी, सब कुछ उसके पास है लेकिन उसके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं कि नहीं तुम लैस तो हो लेकिन कहोगे करोगे तब जब तुमको आदेश मिलेगा, भले ही तुम्हारा सर तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, सर फोड़ दिया जाए। कितना बुरे हालात थे, अगर उन हालातों को दरकिनार करते हुए एक निर्णय ऐसा लिया गया है जो देश हित और अधिकतर जनता के हित में है तो एक गलत कहां से हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता है। बाकी राजनीतिक मुद्दों की तो बात अलग है, राजनीतिक गर्मी बनी रहनी चाहिए इसलिए कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ चीजें कही जाती हैं। संवैधानिक तौर पर अगर इसे देखिए तो ये बात सही है वहां की जनता के लिए और देश हित के लिए और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस समय ये निर्णय सही और जरूरी था जो सही तौर पे लिया गया है। हाँ। और आगे प्रक्रिया जो की गई है और की जा भी रही है और हाँ। एक एक कदम संवैधानिक दृष्टि में सही रखने की कोशिश है और हमेशा कोशिश रह रही है और होगा भी। जी ठीक है, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा, विद्रोही जी के पास चलेंगे, श्रीवास्तव जी का उसके बाद आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको मैं दूंगा। आप विद्रोही जी, जब हम बात कर रहे हैं, हालांकि आप दारण सिंह को आपने भी सुना वहां पर है मौजूद, जाहिर सी बात है, देखिए विपक्ष का काम विरोध करना है विद्रोही साहब, लेकिन हर जगह नहीं और हर मुद्दे पर नहीं। देखिए पूरी प्रक्रिया जो हुई सबके सामने हुई, आज अगर इस प्रक्रिया पर भी हम सवाल खड़े कर देते हैं, पूरी तरह से इस पर बोलते हैं, संसद में जो हुआ सबके सामने हुआ, लाइव टीवी पर हुआ, उसके बाद जो कुछ चल रहा है आज की तारीख में हम लगातार वो चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये भी हम मुद्दा उठाते हैं आज की तारीख में इस जैसे संवेदनशील मामले पर स्थिति में, तो कहीं ना कहीं क्या हम उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर पाकिस्तान की भाषा में भाषा नहीं मिला रहे हैं क्या? वो भी तो यही कह रहा है कि इसको गलत तरीके से कर दिया गया, ये नहीं करना चाहिए था। नहीं अजतेश जी, पाकिस्तान इस जो आपने प्रश्न पूछा, इस प्रश्न में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपदा हरण जी कि सर्वदलीय बैठक बुला लेना चाहिए था, जिसकी वास्तव में कोई इस मसले पर कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ। लेकिन इस हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं, ये अगर समर्थन करते हुए केवल कह रहे हैं सर्वदलीय दल को तो इसको हम पाक की भाषा नहीं कहेंगे, नहीं, ये नहीं, पाक की भाषा चिदम्बरम बोल रहे हैं। हाँ। पाक की भाषा राहुल गांधी बोले। हाँ। पाक की भाषा तमाम कांग्रेसी नेता बोले, वो पाक की भाषा है कि कश्मीर में। अब आप बताइए, अभी जैसे मैंने मुसलमान जिक्र किया, सुनिए अस्तर जी, तो हमारा मुसलमान वहां कश्मीर में कश्मीरियत की और देश भारतीयता का प्रतीक औरंगजेब हो सकता है। हाँ। और ये शोभा डे जैसी पत्रकार का और पाक परस्तों का वहां पर बुरहानवारी वासी हो सकता है, ये अंतर है। हम मुसलमान ईमान वालों के साथ में है जो राष्ट्रवाद के साथ रहेंगे, अपनी कश्मीरियत के साथ रहेंगे, जिसको पाकिस्तान से प्रेम हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। ये भारत का मन है, ये वास्तव में जम्मू कश्मीर का मन है। कश्मीर की कश्मीरियत जो है ऋषियों की तपभूमि है, उसको अभी हो रहा है कि जनसंख्या का घनत्व तो ये हो गया, मतलब कहां ले जाना चाहते हैं आप, किस समय से काउंट करेंगे? ये कोई नीलामी थोड़ी ना हो रही है कि जैसे को तैसा। हम बात करेंगे तो जो 3 लाख कश्मीरी हिंदू वहां अभी 89-90 उनकी जनसंख्या क्यों नहीं छोड़ेंगे, उनकी अभी की आबादी को वहां क्यों नहीं काउंट करेंगे? हमारे देश के सैनिक जो वहां नौकरी कर रहे हैं, अब आप देखिए सदन में ये बात हो चुकी है, पाकिस्तान से जो लोग आकर के वहां रहे वो वहां के लोकसभा के मतलब वहां पर वोट नहीं दे सकते हैं, और जो और लोग दो आए इनका गुजराल जी और मनमोहन जी, वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वाला वोटर नहीं हो सकता है। इतनी गहन चर्चा जम्मू कश्मीर पर 370-35A पर सदन में हो चुकी है, जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो वो समय निकालकर घुसकर चर्चा को सुन ले, बिल्कुल मस्तिष्क मंतव्य सब साफ हो जाएगा। लेकिन जिनको पाक परस्ती ही करनी है, आतंकियों को पोषित ही करना है, वो उन 2 दिन की डिबेट एक नहीं 1000 बार सुनेगा। हाँ। वो
सदन के, सर्वोच्च सदन के, संविधान के, लोकतंत्र की मूल भावना से नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि उसको पाक परस्ती ही करनी है। ठीक है श्रीवास्तव जी, एक तो अवधारण सिंह की बात पर आपसे हम जवाब चाहेंगे, जिस प्रक्रिया को लेकर उन्होंने जिक्र किया, और ये आरोप हालांकि इससे पहले भी सरकार पर लगते रहे कि मनमानी के, जिसका जिक्र वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मेरा सवाल एक कश्मीर को लेकर भी है श्रीवास्तव जी, कि अभी फैसला तो हो गया और जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का असर तुरंत दिखना नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ये पहली बार है कि उसका असर नजर आ रहा है। कम से कम एक गोली नहीं चली अभी तक, जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा गया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कहा गया, राहुल गांधी के ट्वीट पर बकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवाब दिया है, जब राहुल गांधी ने कहा कि हालात खराब हैं, बिगड़े हुए हैं। ऐसे में फिलहाल इस पूरी स्थिति में अगर हम देखें किस किस तरह की चुनौती जो है वो सामने है जिनसे निपटना है, विपक्ष के अलावा यानी कि जो कांग्रेस के तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन की जब हम बात कर रहे हैं, किस तरह से प्रक्रिया के तहत होता नजर आएगा, जिन 3 लाख हिंदू कश्मीरी पंडितों का जिक्र विद्रोही साहब कर रहे हैं उसको लेकर क्या रणनीति है, तमाम चीजों को लेकर? देखिए जो आपदा हरण जी ने जो सवाल खड़ा किया, देखिए उन्होंने भी मुझे लगता है कि पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं तो पार्लियामेंट की पूरी डिबेट उन्होंने अवश्य सुनी होगी, और धारा 370A में जो प्रदत्त अधिकार हैं उसी अधिकारों के तहत महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको किया, उसमें स्पष्ट उल्लिखित है और कोई भी उसको पढ़ सकता है, देख सकता है। धारा 370 की जो ए जो क्लाज है वो अभी एज इट इज है। और दूसरी बात, पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी ओपन डिबेट हुई है। जो लोग कह रहे हैं कि साहब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, 370 पे कांग्रेस ने अपने भी शासनकाल में उन्होंने अधिकारों का प्रयोग कर चुके हैं। तो ये जो लोग इफ एंड बट लगाने वाले हैं, कुछ न कुछ लोग तो इफ एंड बट लगाते रहेंगे, लेकिन संवैधानिक पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कश्मीर से धारा 370A और 35A समाप्त किया गया। उसमें पूरे आप लाइव डिबेट जो आदरणीय अमित शाह जी की है, जिन्होंने एक एक सदस्य का उत्तर दिया और सबको निरुत्तरित किया जो उन्होंने जो सवाल खड़े किए, जिन लोगों ने भी सवाल खड़े किए। तो यह कहा जाना कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया बिल्कुल तथ्यहीन है, निराधार बात है। और जो कांग्रेस की लीडरान है, मैंने पहले बताया कि कांग्रेस के लीडरान पुनः उसी तुष्टीकरण की राजनीति, जात पात की राजनीति के आधार पर सत्ता पाने का ख्वाब देख रहे हैं, जो अब उनको कभी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के साथ खड़ी है। और जो आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, अभी मैं वहां के प्रमुख सचिव का बयान सुन रहा था कि वहां 15 अगस्त पे पूरे उत्साह के साथ पूरे कश्मीर में मनाया जाएगा, और लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम, लोगों पे टेलीफोन बूथ, क्योंकि वहां इंटरनेट वगैरह इस दौरान अवरुद्ध था, तो सबको सबके संवाद हो सके, सब और अनेक वीडियो भी वायरल हुए हैं कश्मीर के लोगों के, जो वहां लोकतंत्र की जो असली मायने में लोकतंत्र है और जो उसके अधिकार हैं वो जब कश्मीर के लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो उसको लेकर के जो खुशी है वो भी सामने आ रही है। जब जो बजट, जो धन जाता था केंद्र सरकार से कश्मीर की जनता के लिए, उनके कश्मीर के लोगों के विकास के लिए, उनको बुनियादी सहूलियतें दी जाने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, या उनको रोजगार के अवसर हो, वो जब प्राप्त होने लगेंगे, वो अवसर जब सामने उसके दरवाजे खुलेंगे, तो अपने आप पूरे के पूरे कश्मीर में जो प्रसन्नता की लहर है वो पूरे अस्थायी रूप में आपको दिखेगी। और आप देखिए जो दलित लोग हैं वो उनको पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं और उनको समान अवसर उपलब्ध नहीं है। जो कितने वर्षों से जो डिवीजन के वक्त जो लोग पाकिस्तान से आए वो 50,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको वोटिंग राइट तक नहीं है। तो ये आप देखिए ना कि क्या हो रहा था, किस तरह की हालात थी कश्मीर में। और ये जो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों या उमर अब्दुल्ला साहब हो, उनकी उनको तो लगता है कि उनकी जागीर चली गई है, तो उनको तो अपने को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो उनको उस माहौल के साथ रटने बसने में, क्योंकि अब उसके अलावा उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। कश्मीर की जनता जो 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 बदलाव हुआ है उसके साथ आम आदमी खड़ा है,
उसको प्रसन्नता है कि अब उसको अपने विकास पर निर्णय लेने का अधिकार होगा, अब विकास की रोशनी गांव गांव तक घर घर तक उसके पास पहुंचेगी। तो इसके साथ वहां की आवाम खड़ी हुई है और आपने वहां का जश्न देखा था लद्दाख का कि किस तरह से लोग जश्न मंगा रहे थे। अगर गिलगिट से आज आवाज आ रही है, पीओके से आज आवाज आ रही है, तो लोगों को जो लोग इस तरह की भाषा बोल रहे, जो जिस तरह की भाषा पाकिस्तान के लोग बोलते हैं, तो उनको अब समझ में आ जानी चाहिए। या हुर्रियत से लोग जो पाकिस्तान परस्त लोग थे, जो पाकिस्तान के पैसे पे वहां अनरेस्ट पैदा करते थे, उन लोगों की भाषा उनको भी ये सुनना चाहिए, उनके भी कान खुले होने चाहिए कि आखिर अब आवाम क्या चाह रहा है, देश का एक एक नागरिक क्या चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है, एक आप आपके पास आएंगे, काफी देर बाद आपने जिक्र किया था कुछ बोलने। बार बार बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि संविधान की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, अरे सर मैं बार बार बोल चुका हूं कि नेशनल इंटरेस्ट की जो चीजें होती हैं संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी है, संविधान हमको राइट देता है। मैं एग्जांपल देता हूं, 1971 में हमने पाकिस्तान को तोड़ा, तो बोलने वाले तो यहां पे ये भी बोलेंगे भाई वो असंवैधानिक जो है काम था, ये नहीं करना चाहिए था। पता नहीं किस मेंटेलिटी के ऐसे लोग पड़े हुए हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न वाजिब मैं मानता हूं इस चीज को कि अब आगे वहां पर क्या होना चाहिए। वहां पर होना चाहिए जैसे पूरे देश में गंगा और जमुनी तहजीब है, वो गंगा और जमुनी तहजीब डेवलप की जाए। वो कैसे की जाए डेवलप? 3 से 5 लाख जो विस्थापित कश्मीरी हिंदू हैं पहले उनको बसाया जाए, 4-5 लाख और लोगों को बसाया जाए, ताकि वहां पे देखिए गंगा जमुनी तहजीब जब तक नहीं डेवलप होगी ना, पूरे देश में गंगा जमुनी तहजीब है तो कश्मीर में क्यों नहीं होनी चाहिए? वैली में केवल एक ही तहजीब क्यों हो? तो यहां से भी 15-20 लाख लोगों को वहां पे भेजा जाए जो एंटरप्रेन्योर है, ताकि वो रोजगार के भी जो है साधन वहां पे पैदा करे और कश्मीर के डेवलपमेंट में भी वो करे और सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी हो और गंगा और जमुनी तहजीब जो है वहां पे एक डेवलप हो। जब गंगा और जमुनी तहजीब डेवलप हो जाएगा, 25-50 लाख लोग जो है भारत से जाके विभिन्न धर्मों के लोग वहां पे रहेंगे, अपने आप वो डेवलप होगा, अपने आप फिर सेना होना की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे यूपी बिहार महाराष्ट्र वगैरह है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है इसमें 6 महीने साल भर 2 साल 5 साल का टाइम लग जाए, लेकिन वो एक प्रोसीजर है और बहुत इजी प्रोसीजर है। जिस दिन कश्मीर में गंगा जमुनी तहजीब डेवलप हो जाएगी, उस दिन सारी समस्या सुलझ जाएगी। और उसके लिए यही जरूरी है कश्मीरी पंडितों को, विस्थापितों को वहां पे बसाया जाए, बाहर से लोगों को भी वहां पे बसाया जाए जो कल्चरल सपोर्ट करें, नया कल्चर डेवलप करें, इंडस्ट्री वहां पे लगाएं, हर तरीके से कश्मीर को केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ही सपोर्ट ना करें, कल्चरल सपोर्ट जो मैंने बात की है कि यही सारे नेता लोग बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब पूरे देश में है। अरे तो वो गंगा जमुनी तहजीब से वैली, श्रीनगर और कश्मीर क्यों वंचित रहे? हर घर हर गांव में यहां से इतनी आबादी पड़ी हुई है सारे पूरे देश में, वहां भेजा जाए गंगा जमुनी तहजीब, वहां पे डेवलप हो। ये एक टास्क होना चाहिए पूरे देश का कि अब कश्मीर में गंगा जमुनी तहजीब जो है हमको डेवलप करनी है। कोई असहमत हो तो बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अवधारण सिंह जी आप कुछ बोल रहे थे। मंजूषा जी, जमुनी तहजीब की सब लोग कामना करते हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी बता रहे हैं, अवधारण जी एक सेकंड में आ रहे हैं, सेना को हटाना है। मैं चाहता हूं कि सेना और पुलिस फोर्स हट जाए धीरे धीरे, वो बिना गंगा जमुनी तहजीब को डेवलप किए हुए, जहां जहां गंगा जमुनी तहजीब है सर वहां वहां शांति है। जी मंजूषा जी, जी सर सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता, आप बोलिए बोलिए वो सुनते रहेंगे। अगर ये बात इतनी देर से बात ये आ रही है कि यहाँ के लोगों को वहां भेज दिए, एक वर्ग विशेष को डिनोट करके कि वहां वहां भेज दीजिए, क्या कश्मीर के लोगों ने ये बात सही है? कभी भी किसी वर्ग विशेष को लेकर के कोई मुद्दा नहीं उठाया, हर वर्ग का बराबर, देश के हर नागरिक का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, कश्मीर का उतना ही अपना है और कश्मीर उसके लिए उतना ही अपना है। पहले तो वहां के लोगों ने जो इतनी त्रासदी झेली है, क्या आपने ये सोचा कि वहां के लोगों के लिए पहले स्थितियां परिस्थितियां उनके माकूल कर दें, उनका विकास कर दें, या आपने सिर्फ ये सोच लिया यहाँ के लोगों को वहां बसा दिया, यहाँ के लोगों को वो कर दिया, ऐसा कुछ सुना ही नहीं? सबसे पहले मैंने ये बोला, जो किसने झेला सबसे पहले? कश्मीरी लोगों ने झेला, जो विस्थापित है, मैंने उन्हीं को बोला सबसे पहले उनको बसाया जाए। सिर्फ पर्टिकुलर ये नहीं कहा जा सकता यहाँ के लोग जाके ही विकास कर पाएंगे। कश्मीरी जो विस्थापित हुए हैं 5 लाख उनको बताया जाए कि नहीं बताया जाए? कश्मीर उनका है, हम लोगों से ज्यादा बेहतर श्रीवास्तव जी, कश्मीर सबका है, हरिश्चंद श्रीवास्तव जी, पूरा देश कश्मीरियों का, हरिश्चंद श्रीवास्तव जी, एक सेकंड में आ रहे हैं, एक सेकंड में, हरिश्चंद श्रीवास्तव जी, फिर मुद्दे गर्म कर लीजिए श्रीवास्तव जी, ये नहीं सोच, ये कौन सा मुद्दा गर्म कर रहे हैं आप? नहीं चाहती है कि कश्मीर में भी गंगा जमुनी तहजीब हो?
सारे राज्यों में गंगा जमुनी तहजीब हो, कश्मीर में ना हो। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, यार कौन गंगा जमुनी तहजीब आप चाहती है कि नहीं? गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तहजीब क्या धर्म है वो? तो गंगा जमुनी तहजीब अगर पूरे देश में है तो कश्मीर में होगा, डेवलप होगा। दो चार एक सेकंड में, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड दिक्कत क्या है मंजूषा जी, एक सेकंड में आ रहे हैं। सारे लोग तो हर मंच पे बोलते हैं गंगा जमुनी तहजीब हो, अब कश्मीर में गंगा जमुनी तहजीब की मैं बात कर रहा हूँ तो पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और स्वर्ग धरती का स्वर्ग इस मामले में कहा जाता है कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, और जो वहाँ की आप समझिए कि पूरी दुनिया से जो स्पिरिचुअल लीजेंड है वहाँ आए, ऋषि मनीषी लोग आए, तो जो हमारी जो आदरणीय मोदी जी की सरकार है वहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री को वो बढ़ावा देगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेगी, एजुकेशन का बड़ा हब बन सकता है, और इसी तरह से जो हर्बल की वहाँ की संपदा है, बहुत सारी चीजें वहाँ की ऐसी हैं जो बेशकीमती हैं, और वो उस आधार पर जब सर लेकिन जो लोग विस्थापित हैं जिनका जिक्र विद्रोही जी ने भी किया, एके भी लगातार कर रहे हैं, उनको लेकर कब ठोस कदम उठाया जाएगा? तो देखिए जो विद्रोह कर रहे हैं वो तो अपने आप किनारे हो जाएंगे, जो कानून तोड़ेगा वो जो भी जो वहाँ के कानून है और जो आतंकवादी आतंक निरोधी कानून है, यहाँ के लोगों को जो वहाँ से विस्थापित हैं जिनका जिक्र विद्रोही साहब ने भी किया, एके ने भी किया, उनको वापस कब पहुँचाया जाएगा, कैसे पहुँचाया जाएगा? वो विस्थापित लोग, कश्मीरी पंडित जो विस्थापित लोग हैं वो 2014 से हमारी सरकार का एजेंडा है, और जैसे वहाँ वो स्थिति शांत बहाल होगी वो सारे के सारे लोग जो अपनी विरासत पे जाएंगे, अपनी जो उनकी जमीन जायदाद है वहां पे पहुंचेंगे, तो अपने आप ये कश्मीर में खुशहाली और शांति की बहाली अपने आप ये आप देखेंगे, और ये जिस द्रुत गति से वहां काम हो रहा है, जैसे हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब, आप देखिए कि वहां शोपिया हो जो आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, वो तो गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि पैसे देकर कुछ भी करा लिया सारे इलाकों में जी। वो तो देखिए कांग्रेस का लिए मैंने पहले ही कहा कि वो एकदम वैचारिक दिवाली है। सर जी एक सेकंड दीजिए, बस आ रहे हैं आपके पास हम। विद्रोही जी, लेकिन कोई भी देख सकता है कि जितने इस तरह के आला अधिकारी जिस तरह से वहाँ कश्मीर में वहाँ की श्रीवास्तव जी स्थिति बहाल हो, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सीख बैली में सामान्य स्थिति वही। लेकिन पहला कदम है सर जो 2014 के घोषणा पत्र में था। अरविंद विद्रोही जी बोलिए जी। ये पहला कदम नहीं, वो पहला नहीं, बहुत निर्णायक और सार्थक कदम है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अभी हमको भी समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश से या अपने अपने प्रांतों में अपने अपने जगह रह करके। जम्मू कश्मीर के 6 से 7 जिले जो घाटी के हैं वो बिल्कुल अलग से हैं, मैं बिल्कुल बिना लाग लपेट के कह रहा हूं, वो 5, 6, 7 जिलों में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पनपता है, और बिल्कुल सही बात है, केवल मुसलमान चाहे बारामुल्ला का जिक्र करें उनमें गुरी सेक्टर भी आता है, समर्थक मुसलमान वहां ज्यादा है, वहां औरंगजेब के समर्थक मुसलमान कम है, इसलिए वहां पर सेना का रहना जरूरी है। बिल्कुल। और रही बात जम्मू सेक्टर की और लद्दाख में, जम्मू में जितने पूर्व सैनिकों के परिवार रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग रह रहे हैं, केवल वो वोटर लिस्ट में जुड़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर समझ में आ जाएगा कि है क्या। और लद्दाख में यहाँ के लोग भी रह रहे हैं शेष भारत के, और लद्दाख के तमाम लोग हमारे बाराबंकी जनपद में 2 परिवार ऐसे हैं जहाँ की ननिहाल लद्दाख में है, तो ये जो रोटी और बेटी का नाता पूरे हिंदुस्तान में जुड़ता है कहा जाता है, 370/35(1) खत्म होने के बाद बहुत सी चीजें हमको सार्वजनिक मंच पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, राष्ट्रहित में समाज हित में जब हम जुड़ेंगे, और कैसे जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे, हम केवल जमीन के लिए नहीं जाएंगे, हम केवल कश्मीर में जम्मू कश्मीर लद्दाख की बेटी लेने नहीं जाएंगे, हम यह हौसला भी रखेंगे कि हम अपने यहाँ की अगर कोई वहां के लड़के को हमारी बेटी पसंद आएगी तो हम बेटी देंगे। रोटी और बेटी का रिश्ता मतलब रोजगार का और व्यक्तिगत संबंधों का। अवतेश जी इस देश की आत्मा मुकुट जो भी समझिए देश का हर कोना है, लेकिन जम्मू कश्मीर ऋषियों की तपस्थली थी, कश्यप ऋषि की भूमि थी, और अभी भी है, वो स्वर्ग है,
धरती का स्वर्ग है, लेकिन उसकी पहचान मैं फिर दोहरा रहा, उसकी पहचान मुसलमान बाहुल्य राज्य नहीं है। मुसलमान वहां कब बाहुल हुए? अभी आपको 89 और 90 याद है कि कश्मीरी हिंदू निकाले गए, उसके पहले आप याद करिए, जब आप जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देश की आजादी के पहले, तो मालूम चलेगा कालांतर में किस तरह विभिन्न जातियों के, जिसमें कायस्थ भी हैं, जिसमें ठाकुर भी हैं, जिसमें सब है, धीरे 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 वहां से हटाए गए। तो जब हम लोकतांत्रिक देश में हैं तो फैसले सदन में होने दीजिए। बंदूक से बात नहीं होनी चाहिए, गोलीबारी बंद होनी चाहिए। मैंने बोला परमानेंट सोल्यूशन यही है कि सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस को अपनाना चाहिए, और उसके लिए एक ही शब्द बोला, पूरे देश में अगर गंगा जमुनी तहजीब की सारे लोग वकालत करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा ना कि पहले तो जो विस्थापित हो चुके हैं उनको बसाया जाए, उसके बाद लोगों को फ्री किया जाए, आए जाए, जिनको पसंद है जाके जॉब करे, जिनको पसंद है वो रुके। कालांतर में धीरे धीरे जब सोशल मिक्स हो जाएंगे ना, तो ये पत्थरबाजी और ये बंदूक बंदूक सब गायब हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ऐसी पूरी स्थिति में अगर हम देखें, चूंकि चर्चा के आखिरी भाग में हम, और यहाँ पर समय भी हमारे पास बेहद कम है, श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए, कि आपका शुक्रिया, आप धारण सिंह शुक्रिया, विद्रोही साहब आपका शुक्रिया, मंजूषा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरी चर्चा में पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती तो करा चुका है, लेकिन साथ ही साथ संदेश एक और निकलता है, संदेश हमारे देश के विपक्षी नेताओं के लिए। विपक्ष के नाम पर सिर्फ विरोध जायज नहीं है, विरोध करिएगा लेकिन ऐसा करिएगा कि अपने देश की बेइज्जती ना हो। विरोध करिएगा तो ऐसा करिएगा कम से कम दुश्मन की जो भाषा है, यानी कि पड़ोसी जो दुश्मन बना बैठा है उसकी जो भाषा है उसकी भाषा में हमारी भाषा मिल ना जाए। विरोध करिएगा तो ऐसा करिएगा कि आखिरकार बात जायज हो, देश के अंदर हो, और कम से कम दुश्मन उस पर हंसे ना। पांच के प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक अलग मुद्दे के साथ। नमस्कार।